बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर हजरात और मेरे सब देखने वाले मवेशी पाल भाइयों को और किसान दोस्तों को, डॉक्टर सतार राजपूत सुलहरी आपको अपने यूट्यूब चैनल पेट एंड वेट में खुश आमदीद कहता है। तो आम रूटीन की तरह जिस तरह आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक फटाफट पहुँच जाए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सब खैर तरीके से होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमारे माल मवेशियों को भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, उनकी माल जान में अल्लाह हिफाजत फरमाए। किस तरह फ्लाइज बैठ रही है जानवर को, बड़ी ही एजुकेशन होती है इससे कि इस वीडियो को ये देखिएगा। इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको कोई भी जख्म हो, कोई कीड़े पड़ जाए या वो ठीक ना हो रहा हो तो उसका इलाज करना सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ। स्मेल जो है ये भी आ रही है, ये देखिए मैकेट्स कीड़े जो हैं ये यहाँ पड़े हुए हैं। तो पहले हम इसको अच्छी तरह वाश करेंगे वाटर के साथ। और इधर अपना जान सा इसके लिए मैं ये वाटर है और ये जो बाउल लिया साफ किया इसको अच्छी तरह। इसके अंदर ये जो है अभी डालने लगा हूँ, इसको हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। इसके बहुत से यूजेज हैं, इस्तेमाल हैं। अबाउट 25 ग्राम ये देखें ये डाला मैंने मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अंदर वाटर ऐड किया, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये ऐड कर रहे हैं अबाउट 15 ml इसको ऐड करना है। इसके बाद जो है इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स करेंगे। मैंने फोर्सअप लिया था और ये सीजर है, ये देखें डेली जो है इसकी ब्लीडिंग इस तरह होती है। बज़ाहिर ऊपर से जो है वो ठीक नज़र आ रहा है लेकिन डीप जो है वो ठीक नहीं था। ऑक्सीडेशन करवाया, ये देख रहे हैं फ्रोथी ये सेलिवेशन है। एक दो मिनट जो है इसको अप्लाई कर देना है इसको वाटर के साथ जो है।
ये जो टिश्यूज हैं ये डेड हो चुके हैं, नेक्रोटाइज, इनको आपने रिमूव कर देना है। आप देखिए वो हिल अप नहीं हो रहा, तो आपने अच्छी तरह उसको जो है उसी ऑक्सीडेशन करवानी है, जो नीचे से है उसकी डीब्राइडमेंट करके, ये मैंने डीब्राइडमेंट की है, ये ब्लड जो है वो ऊज ऊज हो रहा है। जैसे पहले बता रहा था आपको, इसके अंदर जो मैगेट्स कीड़े हैं ये देखो बाहर आना शुरू हो गए, ये जो है ये मैगेट्स कीड़ा ये देखे मूव कर रहा है। अच्छी तरह इसको साफ कर लेना आपने, कोशिश करें जो नेक्रोटाइज मटेरियल है उस सारे का सारा जो है वो रिमूव करें। डिवाइडमेंट कर दी है जो बोन था अंदर, नेक्रोटाइज टिश्यू को रिमूव किए हैं। डिवाइडमेंट करने के बाद जो इंटरनल टिश्यू है, ये जो ब्लड आउट हो रहा था ये उसको साफ करने के बाद इसके ऊपर जो है आप डिब्राइडमेंट करने के बाद जो इंटरनल टिश्यू के अंदर जो मैगेट्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं, हाइड्रोजन प्लस मैग्नीशियम सल्फेट से इसकी ऑक्सीडेशन करवाई है जो डेड टिश्यू थे, ताकि जो इनर टिश्यूज हैं वो नए आएंगे इसकी हीलिंग इसको मदद देंगे। ये करने के बाद अब इसको ओपन ही हमने छोड़ना, अगर ओपन छोड़ेंगे दोबारा फ्लाई जो है ऊपर बैठेंगी, एग्स देंगी, एग्स के बाद जो है वो लार्वा जो है वो मैगेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए या तो आपने पिंक स्प्रे है, पैराकॉट है, कोई भी स्प्रे जो है सीएनजी स्प्रे है वो करें, लेकिन वो कॉस्टली पड़ते हैं, कम से कम 300-400 वो स्प्रे आ रहा है। लेकिन अगर आप अपने फार्म के ऊपर बनाना चाहें, मेन मकसद क्या होगा, एक तो बूंद जल्दी हील अप हो जाए और फ्लाइज जो है वो ऊपर ना बैठे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो ट्राइक्लोरोफॉर्म पाउडर फॉर्म में आ रहा है कोई 20-25 रुपए का एक साशा आता है 10 ग्राम का, आपने उसमें से जो है 1 ग्राम वो पाउडर ले लेना है, उसको आपने 20 ml वाटर में अच्छी तरह डिजॉल्व करने के बाद बीच में मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल वो मिक्स कर लेना सारे का सारा, सॉल्यूशन मान लीजिएगा इसके ऊपर वो आपने अप्लाई कर देना, उससे क्या होगा मक्खियाँ बिल्कुल नहीं बैठेंगी और जानवर जो है वो
सुकून में आ जाएगा। आप इसको हिलअप करने के लिए मल्टीविटामिन वो देंगे, साथ कोई भी मिनरल जो है वो खाने को इसको देंगे, और एंटीबायोटिक्स उसका शार्ट लगाएंगे, एंटीहिस्टामीन है उसका जिसराइवल है, और पेन किलर जो है कीटोप्रूफन जो है वो लगाएंगे ताकि ये जल्दी जो है हिलअप हो और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी ये जो बता रहा था मैं, इसको जो बोन है जो हमने इसको ठीक किया, ये जो देखें दोबारा जो है आप इसके लिए जो है ये एंड्रोफ्लक्सासीन जो है ये इसको मैं इंट्रा मस्कुलर जो है ये लगा रहा हूँ, क्योंकि ये हाई एंटीबायोटिक है। 1 ml जो है पर 50 kg बॉडी ऑफ वेट ये एडमिनिस्टर करते हैं। इसके यहाँ पे हमने लगा रहा है ये एरिया जो है जहाँ ट्राइंगल बनती है ना, ये स्कैपुला के, ये सर्वाइकल रीजन, और ये नीचे से भी आपने दरमियान में जो है ये यहाँ इंसर्ट करना है, इंट्रा मस्कुलर जो है लगाना है। और बिल्कुल आपने कोशिश करनी है एक तो इसके अंदर एयर ना हो, और बिल्कुल सीधी जो है 90 एंगल पे ये दिस आपने इंसर्ट करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको मसाज करना है। तो उसके बाद जो हम लगाएंगे जितना आपको बता रहा था, ये मलॉक्सिकेम है, ये भी इंट्रा मस्कुलर जो है लगानी एयर निकालने के बाद। इसके बाद जो एंटी हिस्टामीन है, ये एंटी हिस्टामीन जिसको हम एवल कहते हैं, क्लोरफिनिरामीन मेलिएट जो है ये आपने 10 ml जो है वो लगाना है, और इसके अंदर डी कम्प्लेक्स विटामिन B1 है, B2 है, एंड B6 पाइरोक्सिन ये आपको लगाना है। ये वो कर लेंगे